नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बालू मास 2 kg एंड अनदर ऑफ मास 4 kg आर ड्रॉप फ्रॉम ए 60 feet टॉल बिल्डिंग आफ्टर ए फॉल ऑफ 30 feet ईस्ट टुवर्ड्स अर्थ देयर काइनेटिक एनर्जी विल बी इन द रेशियो ऑफ। एक बाल क्या है, कितनी केजी की है, 2 kg की, एंड दूसरी बाल क्या है, 4 kg की। नीचे अर्थ की तरफ इनको फेंका जाता है और ये कितनी हाइट पे है, ये अर्थ से कितनी हाइट पे है, ये अर्थ है, इसकी अर्थ से कितनी है, 6 feet की हाइट पे है। ओके, ये अर्थ से कितनी है, 60 feet हाइट पे है। ओके, 30 feet मान लीजिए कि ये अर्थ की तरफ कितनी आ गई, 30 feet आने 30 feet, तो यहाँ पे इनकी वेलोसिटी क्या है, सॉरी यहाँ पर आने के बाद काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या होगा वो हमें बताना है। तो काइनेटिक एनर्जी रेशियो बताना है कि 30 feet आने के बाद उनका काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या होगा। तो इसमें एक बार इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे तो क्या होगी, वेलोसिटी सेम होगी। इक्वल डिस्टेंस कवर करनी है तो वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। इक्वल डिस्टेंस कवर करनी है तो वेलोसिटी भी क्या होगी, वेलोसिटी सेम होगी दोनों की फॉर बोथ। तो इस वजह से हम देख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हमारे पास, हाफ एम वी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, सॉरी वेलोसिटी दोनों की सेम है तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली क्या हो गया, एम के। तो जो मास का रेशियो होगा वो ही क्या हो सकता है, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो हो सकता है। तो इसमें रेशियो क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी 1:2 रेशियो काइनेटिक एनर्जी 2, तो रेशियो क्या आ जाएगा, 1:2। अब वैसे भी निकाल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी 1 क्या आ जाएगी, हाफ इंटू एम कितना है, 2 × 20 kg। तो काइनेटिक एनर्जी 1 क्या आ गया हमारे पास, 20 kg, और काइनेटिक एनर्जी 2 क्या आ गया, हाफ इंटू 4 × 20 kg, तो 2। तो काइनेटिक एनर्जी 2 क्या आ गया हमारे पास, 2 × 20 kg। तो दोनों का अगर हम रेशियो लेंगे, काइनेटिक रेशियो 1 काइनेटिक एनर्जी 2, तो हमारे पास क्या आएगा, 1:2 ही आएगा। तो सेम है, अगर वेलोसिटी सेम है तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो वही होगा जो मास का रेशियो होगा, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस करनी है तो दोनों की जो बॉल है उनकी वेलोसिटी क्या होनी, सेम ही होगी।